दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला का निधन। जोहानिसबर्ग में अपने ही घर में थे मंडेला जिस वक्त ली उन्होंने अंतिम सांस। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा ने की नेल्सन मंडेला की मृत्यु की पुष्टि। पूरे देश में शोक की लहर। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे नेल्सन मंडेला। रंग भेदी नीतियों के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने लड़ी थी एक बेहद लंबी लड़ाई। 27 सालों तक जेल में भी रहे थे नेल्सन मंडेला। दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए नेल्सन मंडेला। जोहानिसबर्ग में नेल्सन मंडेला के घर बाहर जुट रहे हैं लोग, महानायक को दे रहे हैं श्रद्धांजलि। नेल्सन मंडेला के निधन पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जताया शोक। प्रधानमंत्री ने कहा, सच्चे गांधीवादी थे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। दुनिया भर में नेल्सन मंडेला के निधन पर शोक। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, नेल्सन मंडेला से मिलती रहेगी उन्हें हमेशा हमेशा प्रेरणा। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने भी मंडेला को दी श्रद्धांजलि। कहा, भूला नहीं जा सकता नेल्सन मंडेला का योगदान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने कहा, नेल्सन मंडेला ने कई देशों को दी शांतिपूर्ण आंदोलन करने की प्रेरणा। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से भी नेल्सन मंडेला के निधन पर जताया गया शोक। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नेल्सन मंडेला के नहीं रहने पर जारी किया गया संदेश। यौन शोषण के आरोप में घिरे जस्टिस गांगुली की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। दिल्ली पुलिस ने ईमेल लिखकर पीड़िता से बयान दर्ज करने का मांगा है वक्त। सुप्रीम कोर्ट के जांच पैनल ने उठाई है जस्टिस गांगुली पर उंगली। लिखा है, प्रथम दृष्टया अशोभनीय था पूर्व जज का आचरण और व्यवहार। जांच पैनल की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा कोई भी कार्रवाई। कहा, वारदात के वक्त सर्वोच्च अदालत से नहीं जुड़ी थी लॉ इंटर्न। जस्टिस गांगुली भी हो चुके थे रिटायर। नारायण साई को लेकर अदालती प्रक्रिया हुई तेज। सूरत अदालत में हुई पेशी। 11 दिसंबर दोपहर तक पुलिस रिमांड। नारायण साई का हो सकता है नार्को टेस्ट और साथ ही साथ ब्रेन मैपिंग टेस्ट भी। सूरत के पुलिस कमिश्नर ने दोनों टेस्ट के बारे में दी जानकारी। भोपाल में सम्मान के खातिर महिला इंस्पेक्टर अमृता सोलंकी ने दिया इस्तीफा। चुनाव पर्यवेक्षक गया प्रसाद ने गाड़ी रोके जाने पर कहे थे अपशब्द। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सह सचिव अल्पेश शाह के खिलाफ पीड़ित का बयान दर्ज। यौन उत्पीड़न का लगाया आरोप। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लॉ फैकल्टी के चेयरमैन भी छेड़छाड़ के आरोपी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। आरोपी चेयरमैन को किया गया सस्पेंड। पीड़ित छात्रा ने वीसी को मेल लिखकर की थी शिकायत। यूपी पुलिस ने तस्लीमा नसरीन के खिलाफ दर्ज किया मामला। तस्लीमा पर सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप। तेलंगाना मुद्दे पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर। अलग राज्य को लेकर किया गया पास प्रस्ताव। तेलंगाना राज्य में होंगे 10 जिले। गृह मंत्री शिंदे ने कहा, दोनों राज्यों को मिलेगा स्पेशल स्टेटस। एक राज्यपाल दो मुख्यमंत्री होंगे। कैबिनेट के फैसले से खफा जगनमोहन रेड्डी। आज सीमांध्र बंद का ऐलान। नागपुर में विदर्भ राज्य के निर्माण के लिए अनोखी पहल। समर्थकों ने बनाई
असली जैसी दिखने वाली नकली विधानसभा, वामन चटप चुने गए मुख्यमंत्री। आज से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र, बीजेपी की मांग, गांधी मैदान में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि के साथ शुरू हो सत्र। आज है अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने की बरसी, एहतियात के तौर पर बढ़ी सुरक्षा। यूपी के बांदा जिले के एसपी उदय शंकर जायसवाल को राज्य के गृह विभाग से नोटिस, यूपी के कृषि मंत्री आनंद सिंह के पैरों के पास बैठे हुए थे कप्तान साहब। ₹2002 के हिट एंड रन मामले में सलमान खान को हल्की राहत, मुंबई के सेशन कोर्ट का फिर से ट्रायल शुरू करने का फैसला, अदालत की नई पहल। तरुण तेजपाल पर अपनी पूर्व कर्मचारी के यौन शोषण का मामला, फास्ट ट्रैक अदालत में चलेगा, गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार केस की सुनवाई करेंगी महिला जज, मनोहर पर्रिकर ने कहा पीड़ित लड़की के साथ होगा न्याय। एजेंडा आज तक में अरुण जेटली और कमलनाथ के बीच बड़ी बहस, कमलनाथ ने कहा एग्जिट पोल के नतीजे पर ना जाएं, 2004 में गलत हुए थे साबित। कमलनाथ को अरुण जेटली का जवाब, एग्जिट पोल नहीं जमीनी सच्चाई पर कीजिए गौर। एजेंडा आज तक में सजा, महिला शक्ति का महामंच, शीला दीक्षित, सुषमा और वृंदा करात एक मंच पर। एजेंडा आज तक में बोले दिग्विजय सिंह, केरल का चरवाहा का बेटा भी अगर राष्ट्रपति बन सकता है तो चाय बेचने वाला भी बन सकता है प्रधानमंत्री। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कहा दिग्विजय के मुंह से ऐसी बात सुनकर एजेंडा आज तक में आना हो गया सफल। देहरादून में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार के लिए भजन कीर्तन, महिलाओं की टोली निकली सड़क पर, 15 दिसंबर को रैली। बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर मुंबई में चैत्य भूमि में जमा हुए लोग, इंदुमिल परिसर में आरपीआई के कार्यकर्ताओं ने प्रवेश किया, भूमि पूजन करने की कोशिश की। मुंबई में एक इलेक्ट्रीशियन पर लगा प्रेमिका की हत्या का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के मीरा रोड पर दुकान गहनों के डिब्बे उठाकर भागा चोर, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। दिल्ली के एजीसीआर एनक्लेव में एक शख्स पर हमला, बाइक सवार बदमाश गोली मारकर फरार। गया में संपत्ति विवाद को लेकर सामूहिक हत्या, एक ही परिवार की 5 लड़कियों की बर्बर हत्या। पलामू में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, नक्सलियों के साथ हथियार जब्त। कर्नाटक के मैसूर में नरभक्षी बाघ का आतंक, वन विभाग ने दिए उसे मार गिराने के आदेश। कोल्हापुर में जानवरों के लिए काम करने वाली संस्था पीटा का स्टिंग, हाथी की पिटाई कर रहा था महावत। फरीदाबाद के खेड़ी पुल इलाके में दिखा दिलचस्प नजारा, डीसीपी की गोद में बैठकर एक बंदर चट कर गया उनका खाना। जोहानिसबर्ग वनडे में भारत 141 रनों से हारा, दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ली, पहले खेलते हुए मेजबान ने बनाए थे 358 रन। 21 साल के क्विंटन कॉक ने जुड़ा शानदार शतक, 18 चौकों 3 छक्कों की मदद से खेली 135 रनों की पारी, चुने गए मैन ऑफ द मैच। कप्तान धोनी ने अकेले लड़ने की दिखाई हिम्मत, खेली 65 रनों की पारी, गेंदबाजों का बुरा प्रदर्शन। जूनियर वर्ल्ड कप हॉकी आज से दिल्ली में, पहले मुकाबले में मजबूत नीदरलैंड से भिड़ेगी भारतीय टीम। कोहिमा में निकली कार रैली, हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान किया गया कार रैली का आयोजन।